दर्शकों स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस पे। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूँ जिशान आजमी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। बुली बाय ऐप मामले में बेंगलुरु से गिरफ्तार सॉफ्टवेयर इंजीनियर विशाल झा को कुछ देर पहले मुंबई के बांद्रा मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में पेश किया गया। तकरीबन आधे घंटे की सुनवाई के बाद उसे 10 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। विशाल झा बिहार का रहने वाला है। विशाल इस केस का सह आरोपी बताया जा रहा है। इसी मामले में उत्तराखंड से एक युवती को भी पकड़ा गया है। मुंबई पुलिस की एक टीम उत्तराखंड में मौजूद है और उसकी अरेस्टिंग की कार्रवाई कर रही है। अरेस्ट के बाद उसे स्थानीय अदालत में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई लाया जाएगा। इस केस की मुख्य अभियुक्त लड़की ही बताई जा रही है। दोनों अच्छे दोस्त हैं और दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। मुंबई पुलिस के मुताबिक दोनों नाम बदलकर सोशल मीडिया में अकाउंट चलाते थे। इन्होंने सिख संगठनों के नाम से कुछ अकाउंट खोल रखे थे। साइबर सेल की टीम इन सोशल अकाउंट की जांच कर रही है। जब सबसे पहले ये सुल्ली डील्स का मामला आया था, जहाँ पे एक वेबसाइट के माध्यम से महिलाओं की नीलामी हो रही थी, महिलाओं की फ़ोटोज़ का इस्तेमाल करके खास करके एक कम्युनिटी को टारगेट करके कम्युनल टारगेटिंग हो रही थी, उनके बारे में अश्लील बातें हो रही थी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो रहा था, उनको कमोडिटी की तरह यूज़ किया जा रहा था, तो मैंने इसके बारे में IT मिनिस्टर को लिखा था 30 जुलाई को, फिर 6 सितंबर को रिमाइंडर भेजा था, जिसका जवाब मुझे 2 नवंबर को मिला, जहाँ पे उन्होंने कहा कि इन साइट्स को ब्लॉक कर दिया है। पर साइट्स ब्लॉक करना एक प्रकार होता है, दूसरा होता है कि जो ये साइट्स बना रहे हैं उन पे किसी तरीके की कार्रवाई हो। जो कार्रवाई ना होते हुए आज हमने 1 जनवरी को फिर से ऐसा एक साइट देखा जहाँ पे बुली डील्स के नाम से इनको किया गया। मैंने IT मिनिस्टर को फिर से रिक्वेस्ट की है कि आप जब तक ऐसे लोगों को जो महिलाओं को इस तरीके से उनके बारे में बात करते हैं, टिप्पणियाँ करते हैं, उन पे कार्रवाई नहीं करेंगे तो ऐसी घटनाएं वापस होती रहेंगी। मैंने मुंबई पुलिस को, क्योंकि कुछ महिलाएँ जो टारगेट हुई हैं वो मुंबई से होती हैं, तो मैंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी इस बारे में कहा है। एंड मुंबई पुलिस विल बी इन्वेस्टिगेटिंग इट। आई एम ग्रेटफुल टू द DGP महाराष्ट्र एज वेल एज पुलिस कमिश्नर मुंबई हु हैव टेकन दिस अपॉन अ प्रायोरिटी एंड इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो इसके पीछे हैं, जो इस तरीके के अश्लील काम कर रहे हैं, उन पर किसी न किसी तरीके की सख्त कार्रवाई होगी।